नमस्ते, वेलकम टू दिस एपिसोड। पता नहीं एपिसोड बोलूं कि क्या बोलूं, ये रैंडम वीडियो बोलूं, बिकॉज इस चैनल पे कंसिस्टेंसी के नाम पे तो पता नहीं क्या होता है। मतलब अभी मुझे मन करता है कि ऐड डालूं, व्लॉग नहीं डालूं, बिकॉज कंटेंट की कमी के कारण मुझे करना पड़ता है। लोग कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आया जाए स्टोरी टाइम, तो आज स्टोरी टाइम, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम लेंगे लंबी सांस, छोड़ देंगे फिर, बिकॉज अगर नाक से नहीं छोड़ेंगे तो कहीं और से निकल ही जाएगा। हक दिया। तो ये कहानी है कुछ, मतलब आई गेस अराउंड 3 से 4 महीने पहले मैं गया था अपनी दीदी के घर। उनकी शादी हो चुकी है, सो अभी हाल फिलहाल में होती है, आई मीन 5 से 6 महीने अराउंड हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो लेट्स गो, हम लोग मिलने जाते हैं। एंड हम लोग मिलने गए, हुआ क्या कि हम लोग के पास एक शाम बचा था कि हम लोग चलो कहीं घूमने चलते हैं। एंड फिर हम लोग सब लोगों ने अपना बैग पैक किया, क्योंकि ये डिसाइडेड था नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो हम लोगों ने बस गाड़ी निकाली एंड कहीं कहीं घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए डैम। डैम के पास था एक ब्रिज, लिटरली वो रास्ता आई मीन विलेज का एरिया था, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मैंने अपनी जिंदगी की इतनी सारी बकरियां गाय वाय भाई मैंने कभी नहीं देखा। तो हंसी खुशी गाना सुनते हुए एंड अपने भाई हमारे गाड़ी चलाते कवर पकड़ा हुआ था कि यार मतलब कहीं कुछ होना चाहिए, बट इसकी हम लोग फिंगर्स क्रॉस्ड सेफली पहुंच गए ब्रिज तक। एंड फिर हम लोगों ने कुछ मस्ती किया एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ, मतलब कि जो हम लोग जब वहां पहुंचे लाइक आफ्टर हाफ एन आवर हम लोग ने देखा है कुछ क्राउड है वो पास आई, नॉट हमारे पास आई बट वो कार के पास स्टॉप हुई एंड कुछ मुआयना करने लगी, पता नहीं आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज, लेकिन वो बस थोड़ा यू नो मॉनिटर करने लगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं एंड कहां मतलब कैसे करें। सो मतलब वो इधर से उधर ब्रिज की इधर उधर जा रही थी आ रही थी हम लोगों ने थी। सो वी थॉट कि यार चलो कोई नहीं, बाहर से आए हैं हम लोग, सो ऑब्वियस सा है कि लोग ऐसे देखेंगे। बट हुआ क्या कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू रिटर्न, मतलब हम लोग जब घर जाने के लिए निकलने को रेडी थे, तभी उनमें से एक बंदे ने हमें रोका एंड कहा कि यार आप लोगों को साथ चलना पड़ेगा। भाई हमारे साथ दो बड़े थे, एकदम बड़े बड़े लाइक, उन्होंने कहा कि तुम लोग पीछे रुको, लेट अस हैंडल दिस सिचुएशन, बिकॉज वो लोग वहाँ के लोकल्स थे एंड हम लोग ऑब्वियसली बाहर से गए थे, तो हम लोग को कुछ होना नहीं है एंड झगड़े में पड़े फायदा नहीं है, बिकॉज वो लोकल्स एंड वो चाहे तो गुंडे भी बुला सकते, कुछ भी हो सकता था। सो वी ट्राइंग टू बी सेफ, हम लोगों को बोला गया कि पीछे रहो, तुम लोग लेट अस हैंडल द सिचुएशन। जो वो गांव के आदमी थे वो लोग सबने कहा कि आप लोगों ने बकरी उड़ा दिया, विच वॉज नॉट ट्रू। आप खुद सोचो कि मतलब आप गाड़ी चला रहे हो एंड फिर गाड़ी चलाते हुए आप किसी को भी टक्कर मारते हो, लाइक इवन मतलब एक छोटा सा पत्थर भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो यू सडनली नो, बिकॉज वो एक बम्प होता है तो आपको पता चल जाता है। बट हुआ क्या कि यार कोई समझने को तैयार था नहीं कि दैट वी हैवंट डन समथिंग लाइक दैट, कुछ हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन गांव वाले थे कि माने होते नहीं थे। एंड होता क्या है कि गांव में होता है कि यार मतलब बस वो लोग एक रीजन ढूंढ लेते कि यार पैसे निकलवाने का, आई एम नॉट क्लेमिंग दिस बट हाँ बहुत लोगों से सुना है, तो या आई एम सेइंग दिस। तो हम लोगों को उन्होंने कहा कि हम लोगों ने लाइक अराउंड से बात करने की कोशिश की, उन्होंने समझाने की कोशिश की हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया एंड यू कैन ऑल्सो सी द कार, मतलब कार में सब कुछ ठीक है तो ऑब्वियसली कुछ हुआ नहीं है। एंड भाई बकरी उड़ा देना मतलब भाई ठीक है ऐसे हेवी ड्राइवर है, लेकिन सलमान भाई वाली ड्राइवर नहीं करते यार सब लोग। तो फिर हम लोग को 10 से 15 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि चलो हम लोग दिखाते हैं आप लोगों की आप लोगों ने बकरी उड़ाया। हम लोगों ने कहा चलो लेट्स सी एंड अगर उड़ाया होगा तो वी विल पे फॉर दैट एंड वी विल लाइक कंपेंसेट हो जाएगा, यू नो नेगोशिएट कर लेते हैं बातचीत कर उनके पीछे पीछे। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ पहली बार मुझे मतलब मूवी वाला सीन, साउथ की मूवी का सीन का क्रिएशन लगा कि हमारी गाड़ी चल रही है एंड आगे पीछे लाइक लिटरली मतलब अराउंड 15 to 20 पीपल मिनिमम 15 to 20 पीपल एंड मतलब हमारी मतलब बोल लो मतलब कि क्या बोलो मतलब कि हमारी हमारी दो गाड़ियां थी एंड आगे पीछे मतलब वो लोग पूरा कवर करके चलते थे कि सो दैट वी कुड नॉट रन एंड मतलब भाई भागते भी कैसे, बिकॉज एक ही रास्ता था वो जाने का, आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लाइक थोड़े थोड़े दूर में मतलब गांव में बोलूं लाइक बहुत छोटा छोटा गांव था, जब हम लोग गांव के एक पहला गांव पार किए दूसरे गांव जब तक पहुंचे वहां लिटरली मैं बता रहा हूँ रास्ते में मतलब सब लोग जमा होकर मतलब जैसे गांव का लाइक नहीं होता कि लाइक वो कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा हो या कुछ लाइक ऐसा हो। और भाई मुझे लगा उस समय कि भाई आज भाई जिंदा नहीं जाने वाले हम लोग भाई लिटरली, और फिर बड़े बड़े डंडे ऐसे वैसे लेके घूम रहे हैं सब लोग। और हम लोग फिर जब हम लोग को लगा कि हाँ सिचुएशन हम लोग के हाथ में नहीं है, अब हम लोग लगाया कॉल हेलो हाँ यहाँ सिचुएशन हो गया आप लोग जल्दी आ जाओ, तो फिर हम लोगों ने बुलाया एंड फिर जल्दी से सब लाइक हम घर पे सब बैठ के बातचीत करते थे। बट उन्होंने जैसे पता चला कि यार कुछ सिचुएशन हो गया है कुछ सीन हो गया, तो वो लोग ने जल्दी से दूसरी गाड़ी निकाली एंड दूसरी गाड़ी से वो आए, उन्होंने पहले भी किसी को भेजा जो लाइक उन गांव के लोकल्स थे टू हैंडल द सिचुएशन कि हम लोग के हाथ से हैंडल होने वाला, ठीक है कोई नहीं। फिर हुआ क्या कि एंड अभी बहुत इंटरेस्टिंग सीन आने वाला है, जब हम लोग वहां पहुंचे एंड जब हम लोगों ने कहा कि यार कि जो बकरी जिसने भी अगर कि जो वो लोग क्लेम कर रहे थे कि हम लोगों ने बकरी उड़ा दी है लाइक उड़ा दी है
भाई मतलब कैसे हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर शशि ने क्या, तो हम लोग ने कहा कि यार ओके ठीक है आप लोग दिखाओ कि लाइक वो बकरी का हुआ क्या है, आई मीन जो हुआ नहीं था लेकिन बट वो लोग जैसा कह रहे थे हुआ है, तो अब मैं हम लोगों ने कहा कि यार आप दिखाओ एंड वी पे फॉर दैट। तो व्हेन अब उन्हें तो पता था कि यार ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो वो बकरी कहाँ से दिखाए, ये फंस गया सी है। एंड वो हम लोगों को ले गए, आई मीन मैं नहीं गया था बट हम लोग लेके गए कि देखो यहाँ पर वो बकरी है। एंड वो उसके साथ ऐसा सीन हो गया, हम लोग यार वो उस बकरी के सामने पहुंचे, वो लिटरली अपने पैरों पे मतलब अपने चार पैरों पे आगे चल रही थी, उठ के चलने लगी। भाई लिटरली हद होता है मतलब किसी को फंसाना कुछ करना, मतलब इन्हें क्या ही पता चले। फिर बहुत ही लेकिन मेहनत बहुत ही जद्दोजहद के बाद ऐसे बहुत ही बातचीत करने के बाद गांव वालों के साथ वी केम टू सिचुएशन टू कम्पेंसेट एंड कुछ लाइक पे वे हुआ, बट आई डोंट नो अबाउट लाइक क्या पे हुआ बिकॉज वो हम लोग काम भी था नहीं, जितने भी बड़े लोग थे उन्होंने ये दिन किया। एंड फिर हम लोग घर वापस आए एंड लिटरली मतलब उस दिन से जब तक मैं वहां गया था वहां तक 2 दिन रहा, इतनी मुझे मतलब रास्ते भर में बकरी बकरी दिखाई देगी। एंड भाई लिटरली मेरा दिमाग खराब हो गया था एंड हम लोगों ने इतना मजाक उड़ाया उस सीन का किया बकरी अगली बार से दिखे तो मतलब की उड़ा देना है लिटरली, बट उड़ाना नहीं है मैं मजाक कर रहा हूँ। उस दिन के बाद से हम लोगों ने बहुत मस्ती किया इस सीन को लेकर बहुत बार। एंडिंग दिस वीडियो विद आप लोग बताओ कि अगर स्टोरी टाइम आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट लाइक नया नया ऑन दिस इंडियन यूट्यूब साइड, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी इसको स्पेस में मैं भी आगे बढ़ूँ एंड इसको यू नो अपने चैनल पे भी एक इम्प्लीमेंट करूँ इस चीज को स्टोरी टाइम को, एंड इससे कंसिस्टेंसी जो है कंसिस्टेंसी वो मेंटेन रह पाएगा, द फेक कंसिस्टेंसी मतलब जो मेंटेन हो नहीं पाता मुझसे। बट फिर से वापस एक बार यार सभी लोग ऐसे बातें करते हैं हम लोग भी कर सकते हैं, बट कोई नहीं मैं ट्राई करूँ इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का। आप लोग बताओ कमेंट्स में कि अगर आप लोगों को शॉर्ट टाइम वीडियो अच्छा लगा एंड आप लोग चाहते हैं कि नए वीडियोस भी ऐसे आए तो ट्राई करना कमेंट करना, एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना। टेक केयर, बाय बाय।